बाग जिथे इस वे खड़े हो ये बाग 15 एकड़ जिदे मालक ने आगा बिलाल हैदर साहब जी। ये बाग है तिना नस्लां ते मुश्तमिल 15 एकड़। असलामुअलैकुम, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों अज असी यह वीडियो बनावे जी फुल पंजाबी ब्लॉग बनेगा जै वाला। अज असी आए हैं जी जनाब, पता लग ही रहा होगा यार, लीची के बाग आए हैं तो जिथे मेरे दोस्त जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब ने खाई जा रहे ने। यार एक मिनट चंगी नहीं है जनाब, उन्होंने पूछे उन्होंने कहा भाजी वो आ गए नहीं बड़े, उन्होंने कहा भाजी खाओ जिनी मर्जी और ऐ नहीं खा खाओ जिन्नी मर्जी तेरे फुफड़ का भाग है। उन्होंने कहा बाग ही तो बड़ा है, मैं बाग कटने का हिसाब लिया हूँ। तो यार माशाल्लाह फल बड़े ही सोने हो चुके हैं। पिछले हफ्ते असं आए सा अजान हो रही बाद गल करने थोड़ा जिस बंदे दे कोल बाग का ठेके ना जिन्हों के कोल ठीक चला हाँ मैं वो गए ने जरा छोटा सा काम गए ने क्योंकि अज इस बाग के ऑनर आए हैं उन्होंने कोल गए ने वो ठेकेदार ने इस पूरे बाग देना तो सानू कह रहे सन कि तुसी जाओ जिधर कटाई हो रही है तो मैं बस आया 10-15 मिनट तो जू ही आते ने ना तो मुकम्मल इंटरव्यू लैके उन्होंने का इंटरव्यू लैके ना थोड़े ना शेयर मुकम्मल इंटरव्यू लैके उन्होंने का थोड़े ना शेयर करने तो रस्ता बड़ा खराब पानी जिन्ना डिग पी है जनाब है सूरत हाल थले बस हूँ जिते कटाई हो रही है उत्थे जा रहे हैं। यार छिट्टा पैनी है मेरे उत्ते वैसे ही बड़ा एहतियात आ रहे हैं। देखो यार माशाल्लाह फल चेक करो तुसी बस असं पहुंचे कहने जिते कटाई हो रही तुम उ पहुंचो तो असं आग तुम मिलने जी। जनाब है घर की कटाई लीची की कटाई हो गई एक्सपोर्ट हो गई है तू ला के खानी है नहीं इन्होंने उन्होंने कम रखने अपने देख लो भाई जी उस भाई ने क्या हूं खा तो मैं तो खाने इजाजत मिली फिर खा तू अगे बड़िया खा बैठा नहीं हो गया किन्ने बजे शुरू हो गया पांच बजे से फिर हक बहाना तुहाडा 5 किलो खान दे घंटे दी 5 किलो। हाँ जी भाजी की हाल है ठीक हो भाजी क्या लाग गया अपना मुल्तान दे हो इत्थे कि दोदी आए दे हो पाया सियालकोट कि दो आए हो तकरीबन 15 दिन हो गए बस ठेका करके वापस उठ जाना। हाँ वापस उठ जाना ये मजा आ रहा है काम करने का कि नहीं मजा आ रहा है टेंशन तो कोई है नाला काम हो रहा नाला लीची खाने का मजा आ रहा है जितना खान का मजा आ रहा है यार मेरे साले यार दस लो यार ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਖਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੇ ਸੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਏਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਗੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐ ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਅਸਲੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇਖ ਬਾਅਦ ਸੀੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਗਰੰਦ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਜੋਏ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਐ ਭਾਈ ਦੀ ਕਰੋ
देखो यार माशाल्लाह जिस तक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ना एक एक दरख्त की उम्र 50-55 साल दरख्त की उम्र हो गई है तो हर साल ऐसे तरह ही फल लगता है। पिछले साल असं आए सा लेकिन साढ़े ना थोड़ा सा हाथ हो गया कि जू ही असं आया इन्हों की उम्र मेरे हिसाब से होंगी है कि 1.5-2 माह होंगे ने उतार के फिर एक्सपोर्ट हो जाते हैं सियालकोट तो निकल जाते दरख्त खाली हो जाते हैं। पिछले साल आए ने मैं हाफिज़ साहब भी आए स तो खाली हो गया जी सारा बाग खाली हो चुका जी सारी लीची उतार के एक्सपोर्ट हो गई थी तो फिर असं जी वापस चले गए तो इस साल असी पूरी जाना नंबर लैके सबता करके असं ऐसा आए हैं कह रहे हैं कि तुम बस इतवार वाले दिन आ जाइए तुम्हें सारा फल मिलेगा। नहीं नहीं इन्हें कि इतवार को ना आइयो नहीं लेकिन कह रहे हैं कि 7-8 दिन बाद आ जाओ लेकिन वो कहते हैं कि इतवार ना आइयो इतवार रश बहुत होंगे मैं टाइम नहीं दे सकांगा तुम्हें लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि कोशिश करना वहाँ जानर आ गए हैं तो तुम टाइम देने की कोशिश करना ठेकेदार जिन्होंने बाग का ठेका लिया तो उन्होंने गल कर रहे हैं तो खैर कोशिश करना करो उन्होंने मुलाकात होगी ठीक है वरना फिर तुम जी बाग का विजिट करवा के फिर असं वापस चले जावे। मुश्तमिल 15 एकड़ रकबा जिस बूटे अगर खा सको एदा नाम है गोला ये बहुत काबिले तारीफ और काबिले दीद है। इसके साथ है ये सुराई ठीक है ये सही पका नहीं अभी तक ये अभी कच्चा है इसके 10-15 दिन बाकी हैं ठीक है एक नस्ल है बताने की वो पीछे बूटे हैं आपका कैमरा मैन ना दिखा सके लेकिन ये अभी दो नस्लें चल रही हैं सुराई और गोला ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कौन सी नस्ल ये तीनों नस्लें सेल होती हैं ये अपने अपने टाइम पर आती हैं ठीक है। गोला सबसे पहले शुरू हो जाता है सराई इसके बाद और बदाना भी इसके साथ साथ बदाना जो होता है वो खट्टा और मीठा होता है सही है इसमें दोनों जायके हैं। तो कितने एकड़ में ये यानी कि सारा बाग सारा अपने ही आगा साहब ये आगा साहब की मलकियत है ठीक है और हम तकरीबन 5-7 साल में इसी बाग को खरीद रहे हैं ठीक है। तो ये किस किस जगह पे एक्सपोर्ट होता है ये ज़्यादा इस वक्त जो ये गोला है ना इसकी मांग कराची और इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा है। अच्छा सियालकोट में हम इस बाग का माल ख़ास तौर पे जो है ना वो अभी सियालकोट में नहीं गया गुजरांवाला नहीं गया लाहौर नहीं गया इस्लामाबाद और कराची में इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। तो इसकी मुद्दत कितनी है बाग ये ज़्यादा तो ज़्यादा 25-30 दिन बस। पिछले साल हमारे साथ ऐसा ही हुआ था हम लेट हो गए थोड़ा तो आके देखा सारा बाग खाली था फिर वापस चले गए। इंटरव्यू की वजह से इंटरव्यू आया जब ये बिल्कुल तैयार था तुड़ाई हो रही थी तो लोगों को बाद में पता चला कि लीची तो शुरू हो गई है लेकिन लीची उसी वक्त खत्म भी हो गई खत्म हो गई हमारे साथ भी पिछले साल ऐसा ही हुआ है। तो ये सुनने में आया कि ये एशिया का सबसे बड़ा बाग ये एशिया का तकरीबन बड़े बागों में से बाग कह सकते हैं हम तो गरीब लोग हैं इतना नहीं फिरे लेकिन बहुत बड़ा बाग है तकरीबन 4 मरबे से ऊपर ऊपर का बाग है इसमें और सारे मालक भी हैं। अच्छा, लेकिन ये इकट्ठी जमीन है 15 एकड़ के जिस पे हम व्यापारी हैं और इसके अलावा भी व्यापारी हैं लेकिन ये इकट्ठा एक जगह का रकबा है ये इसलिए 1 मरबे से ज्यादा बनता है 4 मरबे से। तो इसके मालक अलग अलग हैं बिल्कुल मालक सा मालक अलग अलग हैं ठीक है। और कौन कौन है कोई एक डॉक्टर मुबशर हसन के भतीजे हैं वो भी सियालकोट से वो भी लाहौर से हैं लाहौर से। अच्छा तो वो भी आते होंगे फिर इधर जी वो भी फरोख्त करते हैं बाग वो आए हैं इस दफा नहीं अभी तक नहीं हमने नहीं देखे आते जरूर हैं उनकी प्रॉपर्टी है उनकी मालकियत है जाहिर है प्रॉपर्टी। तो ये आगा साहब क्या करते हैं आगा साहब का सर्जिकल का कारोबार है ये घोड़ों का भी काम करते हैं पोलो के लिए बहुत बड़े सनअतकार हैं। इन्होंने कोशिश की थी कि आगा साहब भी वीडियो में आए लेकिन आगा साहब कह रहे हैं कि जी मैंने नहीं आना वीडियो में ये असल में ठेका सारा इन्होंने लिया हुआ सारे बाग को यही संभालते हैं। तो आगा साहब ने कहा कि जी मैं नहीं आ सकता आप इनके साथ ही वीडियो बना लें तो इसलिए हम इनके साथ ही वीडियो बनाए ये ठेकेदार हैं पूरे बाग के ना सारे बाग को इन्होंने हैंडल करना होता है। तो बहुत शुक्रिया जनाब अच्छा साहब बहुत मेहरबानी।
तो जी दोस्तों इंटरव्यू ले लिया सी मुकम्मल उन्होंने यार बहुत ही अच्छे बंदे ने अर्शद साहब किसी किस्म के उन्होंने यानी कि होंगे ना कई लोग ऐसे कि यार मेरे को टाइम नहीं आई है वो है वो चक्कर नहीं सोचते हो गए जो भी मैं आया मैं लीचिया नहीं तो भाजी लीचिया ने बाग है तो लीची खानी चंगा उन्हें निदान फड़िया अच्छा इंटरव्यू जो उन्होंने वेच मर्जी उन्होंने जनाब थोड़ी पंजाबी थोड़ी उर्दू एडजस्ट करो यार कुछ नहीं होंगे उन्होंने दिल कर रहा कुछ असल जो उन्होंने ज़्यादातर इंटरव्यू देते ना उर्दू में तो उन्होंने उर्दू शुरू कर दी फिर मैं भी उर्दू शुरू कर दी तो घूम फिर क्यों वापस चले हाँ तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो घूम पसीना लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दियो खा अल्लाह हाफिज़ याद रखियो खावांगा जरूर खावांगा।